मैं यतवल्लाह, पहले तीन वलायतों का जिक्र है फिर आयत है, जिसने अल्लाह को वली मान लिया, व रसूलहू और उसके रसूल को वली मान लिया, वल्लदीना आमनू और इन साहिबान ईमान को वली मान लिया, जो नमाज कायम करते और हालत रुकू में जकात देते हैं, जिन्होंने इनकी रहबरी को कबूल कर लिया, जिन्होंने इनकी विलायत को कबूल कर लिया, जो अल्लाह रसूल और अहले बैत की विलायत में आ गए, ये अल्लाह की जमात है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, बस बतहकीक फकत अल्लाह की हिज्ब ही गलबा पाने वाली है। यानी अगर गालिब आना है तो अल्लाह की हिज्ब बनना पड़ेगा, जब तक, क्योंकि इसमें भी ज़मीर फ़सल है, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, यहां पर भी हसर है, बस बतहकीक फकत अल्लाह की हिज्ब गालिब आएगी, फकत अल्लाह की हिज्ब, और कोई गालिब आ सकता ही नहीं। अल्लाह ने कलम तकदीर से लिख दिया है कि गालिब अल्लाह की हिज्ब आएगी, अल्लाह की जमात आएगी, अल्लाह का गौरव आएगा। अल्लाह की हिज्ब कब बनेगी? जब इस हिज्ब के नज्म का महवर विलायत हो, विलायत के इर्द गिर्द जमा होगी तो अल्लाह की हिज्ब बनेगी। अगर विलायत के नज्म महवर पर नज्म पैदा ना हो तो अल्लाह की हिज्ब नहीं है। वो किसकी हिज्ब है? किसकी हिज्ब है? वो हिज्ब शैतान है। हर वो हिज्ब, गुरोह, जमात जिसके नज्म का महवर विलायत नहीं है, वो अल्लाह की हिज्ब नहीं है, वो शैतान की जमात है, वो हिज्ब शैतान है। पहला मरला क्या है कि निस्बत अल्लाह के साथ पैदा करनी है, अल्लाह की हिज्ब बनना है गलबा पाने के लिए, अल्लाह की जमात बनना है, अल्लाह का ग्रोह बनना है। फइन्ना लमा बैठे हैं, फइन्ना, इन्ना भी ताकीद के लिए, हिज्बल्ला जुमला इस्मिया है, ताकीद है इसके अंदर, और फिर बीच में हम जो जमीर फसल है वो किसके लिए है? वो हसर के लिए है, कि गालिब आएंगे, अल्लाह की हिज्ब बनना पड़ेगा गलबा पाने के लिए। ऐ इंसान, जिसकी फितरत ये नदा बुलंद कर रही है, ऐ मेरे मालिक खालिक, मुझे गालिब आने का रास्ता बतला, मुझे गलबे का रास्ता बतला, जवाब खुदा है, अल्लाह की हिज्ब बन जा, अल्लाह की हिज्ब बन जा। कैसे बनूं? विलायत का दामन पकड़ ले, विलायत के महवर पर इकट्ठे हो जाओ। जब तक इमाम मासूम सामने है, रसूल मासूम सामने है, उसके महवर पर इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि उसकी विलायत बाब विलायत अल्लाह है, वो अल्लाह की विलायत का बाब है, अली की विलायत, अहले बैत की विलायत। और जब इमाम मासूम नहीं है, गैबत है, फिर नायब इमाम के मेंबर पर इकट्ठे हो जाओ, जिसे हम वली फकी कहते हैं, उसको महवर बनाओ, उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाओ, जुबान से नहीं अमल से। करबला के 72 उस जमाने के वली के इर्द-गिर्द जमा थे, वो करबला के उस जमाने के अल्लाह के हिज्ब थे, ऐसे ही था ना, वो अल्लाह की जमात थे, वो गालिब हुए या मगलूब? वो गालिब हुए, मगलूब यजीद और यजीदियत हुई। आज
जब मिल्लत ईरान उस नायब इमाम और वली अमर के इर्द गिर्द जमा हुई, अल्लाह की जमात बनी, शहनशाहियत पर भी गलबा पाया और दुनिया के तमाम फिरौनों के मुकाबले में भी फतह रही, फाते रही।